जेईई मेन्स 2015 केमिस्ट्री पेपर क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा क्वेश्चन है, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स का कंबाइंड कंसेप्ट कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कॉमनली हम पहले बेसिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, फिर चार ऑप्शन देखकर एनालाइज करते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में सॉल्व करना है। जैसे अभी हम करेंगे, एक रिएक्शन दे रखी है, केपी दे रखा है, रिएक्टेंट का स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दे रखा है और प्रोडक्ट का पूछा है। रिएक्शन है ट्वाइस एनओ प्लस ओ टू गैस, गैस गिव्स ट्वाइस एनओ टू गैस। नाउ वी ऑल नो दैट अगर हमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज पता है तो हम रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज लिख सकते हैं। रिएक्शन की फ्री एनर्जी चेंज होती है टोटल प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी चेंज माइनस टोटल रिएक्टेंट्स की फ्री एनर्जी चेंज। जैसे मैं यहां लिखना चाहूंगा तो डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन, ये होगा टू टाइम्स डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ एनओ टू माइनस टू टाइम्स डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ एनओ गैस माइनस वन टाइम्स डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ ओ टू गैस। ओ टू गैस जो है थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल, इजीली अवेलेबल, इकोनॉमिकल एलोट्रॉप है ऑक्सीजन का, और मोस्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल इजीली अवेलेबल इकोनॉमिक एलोट्रॉप्स जो होते हैं उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज दोनों जीरो होती हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए कि इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज जो है वो जीरो है। इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज क्वेश्चन में दे रखी है और इसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज आपसे पूछी है, यानी हम कह सकते हैं डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज टू टाइम्स, टू कॉमन, दोनों में से टू कॉमन, डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ एनओ टू माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ एनओ, वो दे रखी है 86.6 किलो जूल पर मोल। माइंड वेल, किलो जूल में दे रखा है। हमने चार ऑप्शंस को ऑब्जर्व किया तो हमें ये पता लगा कि आंसर उन्हें जूल में चाहिए, तो हम किलो जूल को जूल में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 86.6 का 86.6 हो जाएगा। नाउ हमें ये चाहिए, यानी यह हमें पता होना चाहिए डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, केपी दे रखा है। हम ये जानते हैं कि केपी और डेल्टा जी स्टैंडर्ड में क्या रिलेशन होता है। वी नो दैट डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन केपी और केसी, दैट इज के इक्विलिब्रियम होता है। अब मजेदार बात है, कॉमनली हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते समय एलएन की जगह एलओजी लॉग, यानी लॉग बेस 10 पर यूज करते हैं, तो यहां बाहर 2.303 आ जाता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हमने चार ऑप्शन जब ऑब्जर्व किए क्वेश्चन के अंदर तो हमें पता लगा कि आंसर एलएन में ही चाहिए था, इसलिए हमने डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन को एलएन की टर्म में लिखा, एलओजी लॉग की टर्म में नहीं लिखा। ये सारी बातें आप एग्जाम में क्वेश्चन देते समय, क्वेश्चन सॉल्व करते समय एग्जाम में आपको ध्यान रखनी पड़ती है, इससे टाइम सेव होता है। नाउ
आर की टर्म में ही आंसर पूछा है, टेम्परेचर क्वेश्चन में दे रखा है 298 केल्विन, केपी दे रखा है। अगर डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ रिएक्शन की ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो एक ही अननोन बचेगा और वो सॉल्वेबल होगा। तो देयरफोर टू टाइम्स डेल्टा जी स्टैंडर्ड ऑफ एनओ टू माइनस 86600 इज इक्वल टू माइनस आर इंटू 298 इंटू एल एन, केपी की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर 12 दे रखी है। आप इसे सॉल्व करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.5 बाहर आ जाएगा, 1/2 यानी 0.5, 2 इंटू दिस उधर गया तो प्लस 2 इंटू 86600, ये माइनस में ही रहेगा, 298 इंटू आर इंटू एल एन 1.6 इंटू 10 की पावर 12, आंसर 4 हो जाएगा।